नमस्कार, अमेजवान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जी हां, पंजाब में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जो खुलकर नाराजगी जाहिर की है, उसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्हें पिछले 1.5 महीने से किसी भी सरकारी फैसले में शामिल नहीं किया गया और किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया। यहां तक कि अमृतसर और पटियाला के मेयर चुनावों में भी उनकी राय तक नहीं ली गई है। उधर सिद्धू के बयान पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मंत्री होने की वजह से सिद्धू को मेयर चुनाव में नहीं बुलाया गया, जबकि मामले में आप नेता सुखपाल सिंह खैरा ने सिद्धू का पक्ष लेते हुए कहा कि कांग्रेस में सिद्धू की ईमानदार आवाज को दबाया जा रहा है। तो चलिए, अब देखना होगा कि जिस तरह से अपनी ही सरकार से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस ज्वाइन करने से लेकर अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों में टिकट देने को, डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्री बनने के पद को, पार्टी की सियासत की बात करें तो अभी तक थमी नहीं थी। और ऐसे में निकाय और पर्यटन मंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के महकमे के विस्तार की मांग उठी, जिसने जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा की। लेकिन जब मेयरों की बात आई, मेयरों के चुनावों की बात आई, तो तीनों शहरों में से किसी भी चुनाव में सिद्धू की कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई। हालांकि ये विभाग उन्हीं के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ऐसे में जब उनको इसकी मौजूदगी से दरकिनार किया गया तो फैसलों में शामिल नहीं किया गया, 1.5 महीने से बातचीत नहीं की गई है, कुछ इस तरह की बातें जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपने बयानों में कही। लोग सच नूं प्रकाशित करन दे लई मैं बड़ा एक छोटा जिहा अपना बयान बनाया जिहड़ा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि मामला बड़ा संजीदा है, संवेदनशील है, इस करके आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्टॉर्शन, सो आई विल रीड इट आउट। इट इज़ इन माई हार्ट, आई विल रीड इट आउट। स्थानक सरकारां दा मंत्री होण दे नाते 3 शहरां पटियाला, जलंधर और अमृतसर दे मेयरां दे चोण संबंधी लगभग पिछले 1 महीने तो सरकारी पद्धर ते होए किसी भी विचार वटांदरे दे विच मैनू शामिल नहीं किया गया, अते ना ही मेरे कोलों इस संबंधी पार्टी पद्धर ते किसी तरह की कोई राय ही लई सी। मेरे नाल कीता गया अजिहा वर्तारा मैनू बेहद महसूस होया, इट हैज डीपली हर्ट माई सेंटीमेंट्स। इथों तक के अमृतसर विच मेयर दी चोण होण तो पहला भी मैनू ठीक ढंग नाल इस मीटिंग विच शामिल होण लई नहीं बुलाया गया, इस करके मैं उस मीटिंग दे विच नहीं गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास आना चाहेंगे, चंडीगढ़ का रुख करना चाहेंगे। दीपक, सब तो पहला पार्टी की गल करना चाहेंगे कि जिस तरह नाल बयानबाजी आ रही है सामने और नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिते ने लगातार कि डैमेज कंट्रोल से जुटेगी पार्टी। जी बिल्कुल, और बसी क्योंकि कितने कितने गंभीर मसला जरा पार्टी लिए बनता जा रहा है, जिस तरह कल मेयर की चोन हुई सी, कल मेयर का जरा शपथ ग्रहण समारोह से, और नवजोत सिद्धू जरा है इनविटेशन नहीं भेजा गया, उन्होंने लैके सिद्धू जड़े हैं नाराज़ नज़र आ रहे थे, और तमाम जड़े पार्षद से तमाम काउंसलर से उन्होंने समर्थक वह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होए, उन्होंने लैके नाराज कितने कितने सिद्धू नज़र आ रहे थे, और अज खुल के नाराजगी जी है नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ से जाहिर की है सरकार के खिलाफ। उन्होंने दसाया कि पिछले 1.5 महीने तो जो तो कितने कितने प्रक्रिया जी है पूरी शुरू हुई सी, उन्होंने इस बारे कभी भी उन्होंने विचार वटांदरा इस बारे नहीं किया गया, हालांकि वो लोकल बॉडीज मंत्री ने, पंजाब के स्थानक सरकार बारे मंत्री ने, लेकिन बावजूद इस कभी इस बारे विचार वटांदरा जो है नहीं किया गया। इतों तक कि जोड़े पटियाला, अमृतसर और जलंधर के जोड़े चोणा हो मेयर का चुनाव चोन की जानी सी, लोकल बॉडीज मंत्री ने पंजाब के उन्होंने लैके कभी भी उन्होंने किसी तरह का विचार जोड़ा है वो नहीं किया गया, जिद उन्होंने जो सेंटीमेंट्स ने वो हर्ट हुए ने कितने कितने, अज नाराजगी कितने कितने खुल के जी नवजोत सिंह सिद्धू ने जाहिर की है। हालांकि अगे उन्होंने की रणनीति रहेगी इस बारे उन्होंने खुलासा ज़्यादा सवालों के जवाब उन्होंने मीडिया को नहीं दिते, लेकिन नाराजगी जी है खुल के कितने कितने जाहिर जी है नवजोत सिंह सिद्धू ने जरूर की है। जी ये तो गल रही दीपक नाराजगी दी, असी पार्टी दी गल करना चाहवांगे, पार्टी ने इस पूरे मामले ते की अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है जिस तरह नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिते ने।
जी बिल्कुल कुछ देर पहले क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का यह बयान सामने आया और नाराजगी कितने कितने खुल के जी जाहिर सरकार के खिलाफ की है। अगर गल करिए थोड़ी देर बाद ही 3 बजे पंजाब कैबिनेट की मीटिंग है, यह भी संशय बरकरार है जे कि कैबिनेट मीटिंग च नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होंगे या नहीं, इसका भी जवाब जरा नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं दिता। हालांकि जे रिएक्शन है वो निकलने सामने निकल के सामने आने शुरू हो गए हैं। जे राजकुमार वीरका ने उन्होंने ये कहा कि लोग क्योंकि स्थानक सरकार बारे मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू और स्थानक सरकार बारे जो चोना से इस करके कितने कितने कन्फलिक्ट ऑफ इंटरस्ट कितने कितने बनता से इस करके उन्होंने जो तमाम विचार वटांदर से उन्होंने शामिल नहीं किया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की गई है। इस तो पहले अगर गल करिए खुद जो तृप्त रजिंदर बाजवा ने कैबिनेट मंत्री वो कल खुद जोड़े मैदान गए से नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात उन्होंने नहीं हो सकी। हालांकि अज नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने बारे भी बयान दिता कि पिछले 1.5 महीने के अंदर कभी भी जो तृप्त रजिंदर बाजवा ने हालांकि अमृतसर तो जो सिद्धू विधायक ने और पंजाब के सीनियर कैबिनेट मंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन इंचार्ज जोड़ा है कितने कितने जो तृप्त रजिंदर बाजवा उन्होंने बनाया गया अमृतसर चोणों वास्ते, और पिछले 1.5 महीने के दौरान कभी भी तृप्त रजिंदर बाजवा ने उन्होंने फोन करके कभी सलाह मशुरा ना उन्होंने नहीं किया। हालांकि कल जरूर कोशिश की गई उन्होंने मिलन की। इस तो अलावा उन्होंने सीएम ने भी नाराजगी जाहिर की कि सीएम ने भी कभी उन्होंने कभी कोई चिट्ठी पत्र जोड़ा है नहीं लिखा इस बारे और कभी भी किसी काम बारे नहीं किया क्या। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करते और तमाम जड़े भी इलाकों से जाते हैं जोड़े भी जिले से जाते हैं उतों के जोड़े विधायक होंगे उन्होंने विचार विमर्श के नाल ही जो सारे काम ने वो करते हैं, लेकिन उन्होंने सेंटीमेंट्स कितने कितने हर्ट हो जिस तरह उन्होंने बुलावा नहीं दिता गया और इन्होंने चोणों तो उन्होंने कितने कितने दूर रखा गया है। बिल्कुल सुनने च आया पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज आशा कुमारी, पंजाब कांग्रेस के सकत्तर इंचार्ज हरीश चौधरी जिहड़े ने अज चंडीगढ़ पुज रहे हैं। हालांकि रूटीन मीटिंग का दीपक ना लिता जा रहा है। दूजे पासे सूत्रों के हवाले तो खबर यह भी है कि राजकुमार वेरका और प्रगट सिंह जिहड़े ने सिद्धू मनाने गए ने। पार्टी के लैवल की गल करना चाहवांगे, पार्टी सिद्धू संकट हल किद्दां करेगी? हालांकि यह नाराजगी पहले भी देखने को मिली जो डिप्टी सीएम की गल आई, वो नाराजगी कितना ना कितने अंदर खाते चलती पई सी और जिस तरह नाल हुण सिद्धू साहब ने अधिकारिक बयान दिते ने मीडिया के सामने आके ये की मन्या जाए। दीपक असी तुहाडे कोल वापस मुड़ तो आने हाँ, साडे नाल इस बीच कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका साहब जुड़ गए हैं। वेरका जी आया नूं सत श्री अकाल, MH1 न्यूज़ च स्वागत है। वेरका जी, सिद्धू जी बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी की सब तो पहला गल करना चाहवांगे, उन्होंने जिदा हुने मेयर दे चुनाव होए वो कितने भी वेखण च नहीं आए, उन्होंने कहना है कि पार्टी ने पिछले 1.5 महीने तो उन्होंने कितने बुलाया नहीं है, सद्या नहीं है, कोई पद्धर पार्टी पद्धर से उन्होंने गल नहीं हुई, बर्ताव उन्होंने महसूस होया, मेयर की चोण तो पहलों की मीटिंग च भी उन्होंने बुलाया नहीं गया। देखो जितों तक मीटिंग मेयर की बुलाया नहीं गया सवाल है, वो खुद ही उन्होंने मंत्री है और उन्होंने महकमे ने ही सारे न्योता भेजना है, वो सानू भी और सारे कौंसलर नू भी उन्होंने घर पिछण दे कमिश्नर वालों ही न्योता भेजा गया, असी उन्होंने मंत्रालय के सदे के उपर ही गए हैं और उन्होंने मंत्रालय के किसी अफसर ने जिसकी ड्यूटी होएगी अगर उन्होंने नहीं सदा भेजा वो एक जांच का विषय या गल का विषय हैगा। जितों तक सवाल इस गल का है कि वो ये गल कह रहे हैं कि 1.5 महीने के प्रोसैस उन्होंने सद्या नहीं गया, भाई इतने जिन्हें भी मंत्री है उन्होंने 9 जड़े मंत्रियों चो 3 मंत्रियों ऑब्जर्वर के तौर पर अमृतसर जलंधर और पटियाला विखे लगाया गया सी और उन्होंने MLA ने और कौंसलर ने सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिते और जो सीलबंद लफाफा आया वो दिल्ली हाई कमान ने सील करके वो अधिकारों वास्ते भेज दिता और वास्ते किसी ना बुलाण का तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, वो तो खुद मंत्री है और सत्कार योग है जी। वेरका साहब, विरोधी धिरां की गल करांगे, वह भी सिद्धू साहब नूं सद्दा दे रही ने, वह कहिंदे ने खहरा साहब कह रहे हैं कि जी स्वागत है उत्थे कांग्रेस च इन्हां दा सम्मान नहीं हो रहा, तुसीं की कहना चाहोगे? वेरका साहब शायद उन्होंने संपर्क साढ़े नाल टुट गया है। वैल असी अपने दर्शकों को दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़े हुणे मेयर दे चोण होई सी उस उत्ते बयान दिते ने, पार्टी पद्धर ते कोई उन्होंने राय नहीं ली गई है,
ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਆਟਾ ਸੰਘ ਪਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਰੱਸੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਚੀਲਾ ਚੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70 ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਦਖਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ਼ੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੌਸ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ 3:30 ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਟਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ 3:30 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੌਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬੜਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਦਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਿੰਬੂ ਟੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਦਣ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ।
त्रा जिदा महेंद्र बाजवा तृप्त रजिंदर बाजवा उत्ते बयान दिता हैगा सिद्धू साहब ने साडे नाल साडे संवाददाता दीपक शर्मा चंडीगढ़ तो जुड़े हुए ने। दीपक विरका साहब ने कहा कि 3:30 बजे अज कैबिनेट की बैठक होनी है जिथे उन्होंने नाराजगी दूर करने लिए हर पार्टी लैवल से कोशिश की जाएगी, पर मैं इतने सवाल करना चाहवागी तृप्त रजिंदर बाजवा के लिए जो सिद्धू साहब ने बयान दिता की मनिया जाए, कहते जिस दिन मैं आना नहीं उदे मेरे घर के बाहर वो वेट करते रहे। जी बिल्कुल, हालांकि 3:30 बजे हम मीटिंग भी है और यह संशय अजे तक बरकरार है कि नवजोत सिंह सिद्धू जड़े ने कैबिनेट मीटिंग शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर मीटिंग शामिल होंगे जरूर कितने कितने डैमेज कंट्रोल की जी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह ने सिद्धू नाराज है कितने गंभीर मसला जो पार्टी वास्ते बनया है और खुद तृप्त रजिंदर बाजवा इस कैबिनेट मीटिंग शामिल होंगे, खुद CM कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मीटिंग शामिल होंगे और अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस मीटिंग शामिल होते रहे कितने कितने खुल के इस बारे गल जरूर होएगी और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी नाराजगी जड़ी ने खुल के कितने कितने प्रकट कर सकते हैं CM दे अगे। हालांकि हजे संशय बरकरार है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद इस मीटिंग शामिल होंगे है या नहीं होंगे, लेकिन पार्टी जरूर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह ना मसला पूरा बनाया है विरोधी तरह के निशाने पर जरूर जी है सत्ता पक्ष कांग्रेस जी आ चुकी है। बिल्कुल दीपक, तुम साढ़े नाल जुड़े रहो, असी अपने दर्शकों नूं विखाने आ नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब दे जिहड़े हैगे सत्ताधारी यानी कि पंजाब सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके की बयान दिता है तुहानूं विखाने आ। कदे कोई चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई मेरे कोल चिट्ठी भेजी होवे भी आ कर दे, मैं उहनूं ना करूंगा, कोई भी ना करूंगा, इज़ आर अल्टीमेट बॉस। बट डज दैट मीन कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का मंत्री पिछले 1.5 महीने चो किसे प्रोसेस दे विच किसे विचार वटांदरे दे विच किसे राय दे विच किसे मतलब बुलावे दे विच शामिल ना होए। दीपक तुसी लगातार साडे नाल जुड़े हुए हो, अल्टीमेट बॉस की गल की, पार्टी के विचार वटांदरे की गल की, 1.5 महीनों की गल की, कितने भी उन्होंने राय नहीं ली गई, उन्होंने बुलाया नहीं गया, कोई सद्दा नहीं दिता गया उन्होंने, कोई उन्होंने कितने रोल वो कहते हैं सिद्धू साहब का मानना नज़र नहीं आया, ये की मायने कढ़े जाण। जी बिल्कुल, क्योंकि नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की गल की जाए जो पार्टी शामिल हुए और खुल के कितने कितने माफियाज जिहड़े पंजाब च रहे हैं उन्होंने खिलाफ कितने कितने बोलते रहे हैं और अज नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है कि CM ने जो भी कितने उन्होंने लैटर लिखा होए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के मंत्री ने स्थानक सरकार बारे मंत्री ने और जो भी कभी CM ने उन्होंने काम किया उन्होंने कभी मना नहीं किया और इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं पता लगा कि CM की उन्होंने की नाराजगी है या सरकार की उन्होंने की नाराजगी है जो उन्होंने किसी भी कार्यक्रम किसी भी प्रोग्राम जो स्थान सरकार बारे हो चोणों बारे उन्होंने शामिल नहीं किया गया, इस बारे उन्होंने खुल के नाराजगी जरूर जाहिर की है। हालांकि अज जो कैबिनेट मीटिंग अगर शामिल होते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ये सारिया गल् जो खुल के कैबिनेट मीटिंग तो पहला जरूर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए चंडीगढ़ से। इस खबर के ऊपर देखना होगा कि दोपहर कैबिनेट में होने वाली मीटिंग जो 3:30 बजे होनी है पार्टी डैमेज कंट्रोल में किस तरह जुड़ती है, क्या नाराज नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाता है। और इस बीच साढ़े नाल जड़े ने विरोधी धिर के आप नेता सुखपाल सिंह खहरा साहब जुड़ गए हैं। खहरा साहब जी आया सत श्रीकाल MH1 न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। खहरा साहब तुम कहा कि उन्होंने जी ईमानदारी की आवाज़ है वो शायद पार्टी कांग्रेस ही नहीं सुन पा रहे, तो तुम अज MH1 न्यूज़ के माध्यम नाल सिद्धू साहब ने जिदा नाराजगी जाहिर की है की कहना चाहोगे उन्होंने की सद्दा देना चाहोगे। देखो उन्होंने जी नवजोत सिद्धू उन्होंने गल की ना वो गल एक खुल के सामने आई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी वर्किंग मिनिस्टर की भी रिस्पैक्ट है नहीं उन्होंने पूछ गिछ है नहीं उन्होंने पूछा और एक छोटी कोठरी राही अफसर राही सरकार चलाई जा रही है और जे नवजोत सिद्धू ने यह गल का खुलासा किया उन्हें पब्लिक इंटरस्ट में किया वा और मेरा यह मानना वा कि जो नवजोत ने कहा वा वो एक जिन्हों कहें कि थोड़ा दलेर आदमी गल कह सकता वरना लोग बाजार का पिछे तो खुशामद करते फिरते हैं बहुत सारे कांग्रेस के बुलारे ढल TV से आते हैं लिट के बिच फिरते हैं बेलोड़िया तरीफा करते हैं तो सिद्धू ने मैं समझदा कि एक अच्छा पक्ष सरकार का सामने रखा पब्लिक डोमेन में और मैं तो यही कह सकता कि जेडे लाइक माइंडेड बंदे ने पंजाब की राजनीति जिन्होंने अपनी आवाज उठानी चाहिए और पंजाब के हित में अपनी गल खुल के कहनी चाहिए। जी तुहाडा मानना है उन्होंने जी गल अपनी खुल के कही है वह दलेर बंदा कर सकता है तुहाडी पार्टी वालों कि उन्होंने वास्ते ऑफर खुले है वो तो हले थोड़ी प्रीमेच्योर गल है साडी पार्टी हर अच्छे आदमी वास्ते दरवाजे खुले ने लेकिन जी उन्होंने गल्लां उठाइया
वजन है और जी गल मैं कही है कि सरकार की कारगुजारी से बहुत वड्डा सवालिया चिन्ह लाया। अमरिंदर सिंह किसी भी इंडिपेंडेंट वॉइस को टॉलरेट करते नजर नहीं आ रहे जी। खैरा साहब तुहाडा की मानना है जिस तरह नाल नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने जो पब्लिकली डोमेन च सामने आए ने बयान दते ने पार्टी वास्ते यह कोई वड्डा संकट हो सकता है आने वाले टाइम च? जो सिद्धू ने गल कही है ना जी इदां दी सफोकेशन बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए विच है और मिनिस्टर भी चलो बैठे ने बेचारे मुंह नहीं खोल सकते इन्हों तो अमरिंदर सिंह मिलते हैं कितने कई दिन ये तो जाके जिहड़े बाबू लोग बनाए ने अमरिंदर सिंह ने अपने ऑफिसर की ड्यूटी लाई उन्होंने दफ्तर के बाहर बैठे रहते हैं काफ़ी काफ़ी देर तक सो उसे को पूछ गिछ नहीं है चुने नुमाइंदा की बिल्कुल जी। 2019 इलेक्शन होने ने पूरे लैवल ते होने ने और जिस तरह नाल कांग्रेस पार्टी अगर असी पंजाब प्रदेश की गल करिए हुण इत्थे जिद्दां सिद्धू साहब ने सामने खुल के अपनी नाराजगी जाहिर की है पार्टी वास्ते आने वाले टाइम दे विच मेरा एक बार फिर तो हुण पूरे नैशनल लैवल का सवाल रहेगा। असी हरियाणे दे वन नज़र मारीे तो उत्थे भी कई ग्रुप नज़र आते हैं कांग्रेसी गुट नज़र आते हैं पंजाब दे वन हुण नज़र मारते हैं तो हुण इन्हां दी नाराजगी खुल के सामने नज़र आ रही है की लगता है नवे नवे अध्यक्ष बने ने राहुल गांधी साहब युवा चेहरा है और ये उन्हां दे वास्ते भी और पार्टी आस्ते भी किड्डा वड्डी एक गल हो सकती है? नहीं मैं नु दूसरे पक्ष तो देखदा आई फील के पार्टियां दे विच थोड़ी बहुत ही इनफ डेमोक्रेसी चाहिए है को बोलने की आजादी चाहिए गुलाम थोड़ो ने लोग जी जे तुसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तुसी कोई स्लेव थोड़ो बन जाओ उन्होंने इसलिए जो नवजोत ने गल कही है मैं समझदा ठीक गल कही है और अमरिंदर सिंह नु सुधार करना चाहिए अपनी वर्किंग दे विच चुने हुए नुमाइंदियां वेदर ओपोजिशन दे ने या कांग्रेस दे एमएलए उन्हां नु रिस्पेक्ट देनी चाहिए प्रॉपर जी। खैरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े नाल गलबात करने वास्ते। सुखपाल सिंह खैरा विरोधी धिर दे आगू जो जिन्हां का कहना है कि ये पार्टी दे विच जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उन्होंने भी अपनी गल कहने का पूरा पूरा हक होना चाहिए और जे सिद्धू साहब ने यह नाराजगी जाहिर की है तो चंगी गल है और दलेर व्यक्ति ही इदा की नाराजगी जाहिर कर सकता है। बहरहाल कैप्टन सरकार तो नाराज़ ने नवजोत सिंह सिद्धू जिदा उन्होंने चंडीगढ़ बयान दिए कि पार्टी पद्धर से कोई राय नहीं ली गई अमृतसर च मेयर की चोण तो पहलों मीटिंग उन्होंने सद्दा नहीं दिता गया अजिहा बर्ताव जिहड़ा पार्टी ने उन्होंने किता है वह उन्होंने महसूस होया है। अज दोपहरे 3:30 बजे चंडीगढ़ के कैबिनेट की बैठक होनी है जिस यह मनिया जा रहा है जिदा खुद कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका ने सानू मुखातब होंदे दसिया कि अज जी उन्होंने श्रद्धा है सीएम के प्रति और पार्टी के प्रति उन्होंने मनाने की एक कोशिश जरूर इस मीटिंग की जाएगी। वेखना होएगा कि कांग्रेस पार्टी किन्ना डैमेज कंट्रोल जुड़ती है और जो नाराजगी सिद्धू साहब ने जाहिर की है वह नाराजगी वह कि दूर करते हैं। इस बुलेटिन च इन्ना ही दे इजाजत सत श्री अकाल।